हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कोर शाला आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट और जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स तो बेसिक हम कास्ट को समझेंगे और पॉलिटिक्स को समझेंगे तो चलो समझते हैं वी हैव सीन टू इंस्टांसेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन द ऑफ पॉलिटिक्स वन लार्ज पॉजिटिव एंड दी अदर लार्जली नेगेटिव तो हम बेसिकली जेंडर समझ चुके हैं रिलीजन समझ चुके हैं आज हमारे पास है जो टॉपिक उसका नाम है कास्ट तो चलो कास्ट को समझते हैं लेट अस टर्न टू आवर फाइनल केस डेट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स डेट एक्सपेक्ट तो सर ऐसे में हम समझ सकते हैं जो कास्ट है वो हमारा फाइनल केस है और जो ये कास्ट है उसके कई सारे पॉजिटिव और कई सारे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो हम देखते हैं कास्ट इन तो शुरुआत करते हैं हम कास्ट इनइक्वालिटीज से आखिर कास्ट इनक्वालिटीज़ होती क्या है अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया जैसा कि हम देख रहे हैं कि सर जेंडर डिवीजन होता है जैसा कि हमने देखा रिलीजन में भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं वैसे ही सर जो कास्ट डिवीजन है वो भी हमारे इंडिया में देखा गया है और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल हैिटीज एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर तो सर हर सोसाइटी के अंदर क्या देखा गया है सोशल इनक्वालिटी देखी गई है साथ ही साथ किसी भी ना किसी तरीके का सोशल डिवीजन भी देखा गया है लेबर का फिर हम देखते हैं इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशन आर बेस्ड ऑन फॉर्म वन जनरेशन टू अनदर तो सर कई सारी ऐसी सोसाइटीज है जिसमें देखा गया है कि सर जो ऑक्यूपेशन है ना वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता रहता है पास होता रहता है कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस तो ऐसे में सर जो कास्ट सिस्टम होता है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ होता है इसका इसी के साथ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज इज दैट इन दिस सिस्टम हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिविजन वॉज सेंक्शन बाय रिचुअल तो सर ऐसे में जो कास्टिज्म होता है या कास्ट सिस्टम होता है उसमें अलग क्या होता है सर बेसिक अलग यही होता है कि सर जो ऑक्यूपेशन है ना वो हेरिडेटरी डिवीजन को क्या करता है फॉर्म करता है साथ ही साथ वो हेरीडेटरी बनाता है इस ऑक्यूपेशनल डिवीजन को और सर ये ये जो डिवीजन होता है ये कैसे होता है Shunction होता है बाय बायुअल ये सर प्रथाएं हैं ये आपको माननी ही पड़ेगी कि सर हाँ आपका जो ऑक्यूपेशन है आपके ऑक्युपेशन के अकॉर्डिंग आपकी हेरिडेटरी आगे चलेगी और सर ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि सर ये क्या है एक रिचुअल है मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी डेट प्रैक्टिस सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन तो सर जो एक कास्ट के जो लोग होंगे उनसे उम्मीद की जाती है उससे सपोज किया जाता है कि सर वो एक तरीके की ही प्रैक्टिस करेंगे एक तरीके का ही ऑक्यूपेशन, वो सिलेक्ट करेंगे मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप और उसी के साथ साथ उनकी जो शादी है वो भी एक ही कास्ट ग्रुप के अंदर होगी एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप और इसी के साथ साथ और कास्ट या किसी और कास्ट ग्रुप के साथ वो भोजन नहीं करेंगे कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूशन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दउट कास्ट ग्रुप तो सर, बेसिकली हमारा जो ये कास्टिज्म है ये है क्या सर इसके अंदर एक्सक्लूड कर दिया जाता है अदर कास्ट को या फिर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अदर कास्ट को और साथ ही साथ उस ग्रुप को क्या कर दिया जाता है आउटकास्ट कर दिया जाता है मतलब एक कास्ट जो होती है वो दूसरी कास्ट को अपने से अलग समझती है और साथ ही साथ उसको डिस्क्रिमिनेट करती है फिर हम आगे देखते हैं दे वर सब्जेक्टेड टू तो बी इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी और सर ऐसे में ही शुरू होती है इन ह्यूमन प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं अनटचेबिलिटी जिसके बारे में आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा ही होगा डैट इज वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फूले गांधी जी बी आर अम्बेडकर पेरियर रामासोिन नाइकर एडवोकेट

देखा जा रहा है कि सर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ता जा रहा है अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है लिटरेसी लिटरेसीजुकेशन ऑक्यूपेशनल लोगों के पास नए नए ऑक्यूपेशन आते जा रहे हैं साथ ही साथ सर, जो लैंडलॉर्ड है अब में उनकी धीरे धीरे क्या हो रही है वीक हो रही है और साथ ही साथ जो कास्ट है राकी, वो अब धीरे धीरे टूटती जा रही है मतलब अब ये धीरे धीरे ये जो चीजें हैं वो अब कम होती जा रही है नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अर्बन एरिया इट ड मैटर वच हु इज वॉकिंग अलॉन्ग नेक्स्ट टू अस ऑन अ स्ट्रीट और ईटिंग एट द नेक्स्ट टेबल इन अ रेस्टोरेंट तो सर अब है ना अर्बन एरियाज़ में ये कुछ मैटर ही नहीं करता कि सर हमारे सामने स्ट्रीट पर कौन चल रहा है हमारे साथ में रेस्टोरेंट में कौन खाना खा रहा है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिजर्व द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम तो सर जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिटेड करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और सर ऐसी कई सारी पॉलिसीज को हमारे लिए रिजर्व करता है ताकि सर ये जो कास्ट सिस्टम है इससे होने वाला जो इनजस्टिस है उसको मिटाया जा सके इफ अ पर्सन वो लिव इन अंचुरी अगो वेर टू रिटर्न टू इंडिया शी वुड बी ग्रेटली सरप्राइज इट चेंजेस दैट हैज कम अबाउट इन दी कंट्री अगर सर कोई बाहर किसी टाइम पीरियड में बहुत सेंचुरीज पहले इंडिया से बाहर जा चुके वो लोग अगर अब भारत में आएंगे या भारत को देखेंगे इंडिया को देखेंगे तो सर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे कि सर इंडिया में इतने चेंजेस आ चुके हैं येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया पर फिर भी सर जो कास्ट है वो अभी तक हमारे सामने से डिसअपीयर नहीं हुई है सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव है अभी भी सर जो कास्टिज्म है वो अभी भी प्रसिस्ट करता है इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट एंड ट्राइब तो इसी के साथ साथ अभी भी देखा जाता है कि सर अभी भी कई सारे जो लोग होते हैं वो अपनी कास्ट में अपनी ट्राइब में ही क्या करते हैं शादी करते हैं एंडेड कंप्लीटली सर अनेबिलिटी अभी तक खत्म नहीं हुई है हाँ सर, ने मना किया है कि सर, आप का है ना प्रैक्टिस नहीं कर सकते पर फिर भी ऐसा देखा गया है कि सर अनबिलिटी आज भी प्रैक्टिस में अफेक्ट ऑफ सेंचुरी और आज भी सर जो ये सदियों से चली आ रही एडवांटेजवांज है ना कि सर जो हमारी कास्ट है अकॉर्डिंग आपको एडवांटेज मिलती

वो आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है उनके पास आज भी उसके लिए क्या है एक अच्छा एक्सेस उनके पास है दो ग्रुप्स डेट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और वेयर प्रोहिबिटेड फॉर एक्वायरिंग इट हैव नेचुरली लैग लेकिन दोस्तों सर जिन ग्रुप्स के पास पहले से ही एजुकेशन का एक्सेस नहीं था आज वो बहुत ज्यादा पीछे छूट गए तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जिनके पास एक होता है ना जिन कास्ट के पास पहले से ही एजुकेशन का एक्सेस था वो आज बहुत ज्यादा सुपीरियर हो चुके हैं जबकि वो कास्ट जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं था वो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं दैट इज वाई दे आर जोड़ी तो जाती है किसी जा रिच क्लास से बिलोंग करता है या फिर अपर क्लास्ट से बिलोंग करता है तो सर ऐसा हो सकता है

मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप अब ऐसा भी देखा गया है कि जो एक ही कास्ट ग्रुप के लोग होते हैं वो सोशल कम्युनिटी एक है ना फॉर्म करते हैं सोशल कम्युनिटी को जिसमें उनका ऑक्यूपेशन सेम होता है वो शादियां जो है मैरिज जो है वो भी एक अपनी कास्ट में ही करते हैं और साथ ही साथ वो दूसरी कास्ट के साथ खाना भी नहीं खाते हैं फिर हम ये देखते हैं कि सर कि कई बार ऐसा देखा गया है कास्ट सिस्टम के अंदर कि जो अदर कास्ट होती है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उन्हें आउटकास्ट कास्ट ग्रुप्स भी बना दिया जाता है फिर हम देखते हैं कि सर ऐसी कई सारी अनह्यूमन प्रैक्टिस होती है पर सर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो इनह्यूमन प्रैक्टिस है वो है अनटचेबिलिटी जिसको हटाना हमारे समाज से बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐसे में सर ऐसे कई सारे हमारे सामने पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने हमारा जो ये अनटचेबिलिटी का जो ये श्राप था ना इसको हटाने की कोशिश करी जिसमें से सबसे पहला नाम है सर ज्योतिबा फूले फिर है गांधी जी बी आर अम्बेडकर पेरिया रामास्वामी नायकर इन सभी ने एडवोकेट किया कि सर सोसाइटी के अंदर ये इनक्वलिटीज़ नहीं होनी चाहिए कास्ट के अंदर हमें हमेशा इक्वालिटी को सपोर्ट करना चाहिए और सर जो कास्ट इन हैं उनको हटा देना

मोस्ट ऑफ द टाइम अर्बन एरियाज़ में ये देखा जाता है कि हमें सर फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे सामने कौन चल रहा है हमारे साथ कौन बैठ के खाना खा रहा है और ऐसे में सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी प्रोहिबिडेड करता है कि आप किसी भी तरीके से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस में नहीं ला सकते आप किसी भी तरीके से किसी भी कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते और इसी के साथ साथ सर अब हम बात करते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल की अगर आज इंडिया के अंदर कुछ सदियों पहले जो इंडिया के लोग थे अगर वो वापस इंडिया आते हैं तो उन्हें एक फील होगा चेंज का फील होगा कि सर इंडिया के अंदर कितना चेंज आ चुका है फिर हम बात करते हैं कि सर आज भी ऐसा नहीं है कि सर जो हमारा कास्टिज्म है वो पूरा का पूरा हट चुका है नहीं सर आज भी सर जो लोग हैं वो अपने ही कास्ट के अंदर क्या करते हैं शादियां करते हैं साथ ही साथ कई सारी ऐसी की प्रैक्टिस हमारे आज सोसाइटी में की जा रही है जिनको नहीं प्रैक्टिस किया जाना चाहिए भले ही उनके ऊपर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन हो मतलब सर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन है उनके ऊपर पर फिर भी सर अनटचेबिलिटी आज भी प्रैक्टिस में लाई जा रही है सर अब ऐसे में कई सारी ऐसी सेंचुरी निकली है जिसमें हमने कई सारे एडवांटेजेस देखे कई सारे डिसएडवांटेज देखे हैं और आज भी सर ये जो एडवांटेज है ये डिसएडवांटेज जो है वो हम फील कर सकते हैं कि सर आज हमारी जो कास्ट अगर हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं हमें कई सारे एडवांटेजेस दिए जाते हैं जबकि हम अगर लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हमें वो एडवांटेजेस नहीं दिए जाते फिर हम बात करते हैं कास्ट ग्रुप की सर आज भी ऐसे कई सारे कास्ट ग्रुप है जिन्हें क्या मिली थी जिन्हें पहले भी एजुकेशन तक एज, एक्सेस मिल चुकी थी और सर आज भी उन्हें मॉडर्न टाइम एजुकेशन में एक्सेस मिला है पर सर जब हम बात करते हैं जिन्हें पहले से ही एजुकेशन में एक्सेस नहीं मिला था जिन कास्ट को पहले से ही एजुकेशन से एक्सक्लूड करके रखा गया था तो आज भी देखा जाता है कि सर वो नेचुरली क्या हो चुके हैं लेग बिहाइंड हो चुके हैं मतलब वो पीछे हट चुके हैं फिर हम देखते हैं कि सर ऐसी कई सारी अपर कास्ट है आज भी हम देखते हैं कि सर जो हमारा सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर जो अर्बन मिडिल क्लास है वो आज किससे फॉर्म हो रखा है वो सर अपर कास्ट से फॉर्म हो रखा है फिर हम देखते हैं कि बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें, हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे स्कोर्स अलग है यूट्यूब चैनल को थैंक यू